जय में क्या बच्चों, चलिए मैं इसके बाद में प्रश्न को देखते हैं। किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है और वह 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण से 34 अंक अधिक अर्जित करता है। याद कीजिए कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है। मैं क्या बच्चों, आपको मालूम है यदि अंकों में अंतर आ रहा है तो कॉमन सी बात है, परसेंट में अंतर आएगा और प्रतिशत का अंतर ही अंकों के अंतर के बराबर होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक छात्र जो है 28% अंक पा रहा है और दूसरा जो है यहाँ पर 32% पा रहा है। यहाँ पर परसेंटेज का अगर डिफरेंस देखिए तो कितना है, 4%। अब यहाँ पर 28% पाने वाला 14 अंकों से फेल हो रहा था और 32% वाला 34 अंक अधिक अर्जित कर रहा है। यहाँ पर जो उनके बीच का अंतर है 14+34, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये 34 है, 34 अधिक पा रहा था तो 4 4 8 3 और 1 4, 48 अंक का अंतर है। इसका मीन्स है कि 4% बराबर कितना हो गया, अगर 48 अंक के 1% बराबर हो जाएगा 48/4, तो भैया 4 × 4 = 8, 1% में 12 नंबर होते हैं, तो देन 100% में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12 × 100 बराबर कितना हो जाएगा, 1200। उस परीक्षा का पूर्णांक क्या है, तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1200।